अमिताभ बच्चन जी तो ऐसे कर रहे हैं। हाँ, जरा मुझे टीआरपी दे दो, टीआरपी मैं टीआरपी लूंगा। हाँ, साउथ इंडियन के कुछ लोग ही बोल रहे हैं, दे दो ना मुझे टीआरपी, दे दो ना टीआरपी, ले लो ना टीआरपी, दे दो टीआरपी, कर दो ना बिग बॉस को जिता दो ना, देख लो फुहरपन, देखो ना फुहरपन, फुहरपन देख लो, कपिल शर्मा शो देख लो, देखो ना मजा आएगा। लेकिन जनता कुछ भी कर ले, हाँ, हाँ, एक रुपया सिक्का डाल देगा लेकिन टीआरपी नहीं देगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी ऐसे करेंगे, हाँ, हाँ, अरे भाई खांसी हुआ है क्या बार बार करते रहते हो, एक रुपया सिक्का डालेगा लेकिन टीआरपी जनता नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। जो केबीसी की जो रेटिंग गिरी है, बिग बॉस की रेटिंग गिरी है, कपिल शर्मा की शो की रेटिंग गिरी है, क्या बोलूं, उससे बेहतरीन सुपर डुपर हिट तो सास बहु वाली हो रही है। सास बहु वाली सुपर डुपर हिट, ऐसे कि विश्वास ही नहीं हो सकता। 1.2 रेटिंग आया है किसका, केबीसी का। 1.3 बिग बॉस का, जबकि इनका रेटिंग होता 3.2, 3.4, 3.5 ऐसे इनको मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया, एक एक परसेंट के लिए, एक एक पॉइंट के लिए मोहताज हो गए हैं। ये तो अब ये कर ले, ये जाके घर घर पैसा बांट दे कि हेलो डॉक्टर आंटी, हाँ मैं केबीसी से आया हूँ, ये 5,000 रुपया कल से एक महीना देखिएगा। आप पीछे में खड़ा है बिग बॉस वालों, आपके घर में लड़कियां हैं, बच्चे उच्चे हैं, फूहड़पन देखते हैं जी, आइए बिग बॉस वाले पैसा दीजिए, वो नंगा नाच देखेंगे ये लोग लाइक। आप पीछे से कपिलवा सलमान खान बर्तन माज के आंसू चला रहा है, ऐसा मैंने, मुझे आज तक हंसी नहीं आई, आज तक हंसी नहीं आई, लेकिन जबरदस्ती मुंह में ऑक्सीजन डाल के हंस दो, हंस दो। लेकिन जनता ने कब थोपा इस पे, कपिल शर्मा को तो ज्यादा बॉयकॉट किया है, जब तुमने अर्नव जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार को कॉमेडी किया था, हास्यपद बना दिया था, उस समय जनता हंसी थी इस पे, और अभी हंस रही है। एक एक पॉइंट के लिए मोहताज है, अभी इंतजार कीजिए, बहुत सारे बड़े बड़े सितारों को जमीन पे लेके आएंगे, जमीन पे इंतजार कीजिए। मैंने देखा है कि कुछ मल्टीप्लेक्स जो सिनेमा हॉल है, ऐसे ऐसे ऑफर लगाए हैं कि मुझे हंसी नहीं रुक रही है। 60 रुपया टिकट, तो मैं पहली बार अपने आप को पिंचिंग किया, पिंच किया ऐसे करके, 60 रुपया। अबे हम लोग बरेली में है क्या, पटना में है क्या, 60 रुपया में, 60 रुपया हद तो तब हो गया कि ये भी बोला जा रहा है, मल्टीप्लेक्स बोल रही है कि 2000 में पूरा सिनेमा हॉल बुक कीजिए। अब लीजिए 2000 में सिनेमा हॉल, माने 2000 में चाइनीज टीवी नहीं आ जाता है, अब पूरा सिनेमा हॉल। सोचिए जनता को और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आ जाइए, मुझे तो डर है कि मल्टीप्लेक्स वाले ये नहीं कह दे कि हम मल्टीप्लेक्स आपके घर लेके आ रहे हैं कि आप यही देखिएगा, माने हद हो गया। माने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का इतना खौफ हो गया इन लोग के सामने कि डर गए हैं ये लोग, हथकंडे अपना रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा करें कि सारे फैंस क्लोज आ जाएं। लेकिन फैंस क्लोज नहीं आने वाले हैं जब तक न्याय नहीं मिल जाता।